जय हिंद। क्वार्टर फोर के रिजल्ट आने के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक शानदार कंपनियों के धमाकेदार रिजल्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इन्फोसिस के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस कंपनी के भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट कैसे आए हैं और साथ में कंपनी ने डिविडेंड देने की भी बात कही है। तो यदि आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी से डिविडेंड का लाभ पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक चीज़ आसान भाषा में बताऊँगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इन्फोसिस कंपनी जो आपको पता है आईटी सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है भारत में, और जब दुनिया में हम लोग आईटी सेक्टर कंपनी को बात करते हैं तो उसमें इन्फोसिस का नाम भी जरूर आता है। देखेंगे यह आईटी सेक्टर के अलावा कंसल्टिंग और डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की। तो यह मीटिंग 13 अप्रैल के दिन ही हुआ है और इसी मीटिंग में कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट जारी किए हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ में कंपनी ने डिविडेंड देने की बात कही है। तो पहले हम लोग इस डिविडेंड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली पीपल यही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि क्वार्टरली रिजल्ट आया तो उसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है आपके लिए, चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे यह जो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, यह फाइनल डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट में, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में जब कंपनी डिविडेंड देने की बात करती है तो उसे फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। तो इस बार कंपनी ने ₹16 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने की बात कही है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास इस कंपनी के एक शेयर है, मैंने मतलब एक शेयर पर उसको ₹16 दिया जाएगा। और इसके लिए अभी फिलहाल कोई रिकॉर्ड डेट नहीं रखा गया है। सामान्यतः रिकॉर्ड डेट क्वार्टर फोर के रिजल्ट में नहीं घोषणा करती है कंपनी, उसी सप्ताह में या उसके अगले सप्ताह में रिकॉर्ड डेट जारी कर देती है। तो इसका भी उम्मीद है कि अब अगले सप्ताह में, अब इस सप्ताह में तो मार्केट 4 दिन बंद है, आने वाला सप्ताह हम इसका रिकॉर्ड डेट बता देंगे। अब समझिए फेस वैल्यू रहा इस कंपनी का ₹5। तो जब आप ₹5 के फेस वैल्यू पर ₹16 का डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा लगभग 320%। देखिए सामान्यतः कंपनियां, सामान्यतः क्या, हर दम कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो फेस वैल्यू के हिसाब से ही देती है, और कभी भी कंपनी शेयर प्राइस के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है। जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करती है। अब समझेंगे यह जो डिविडेंड देने जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का इस कंपनी का तीसरा डिविडेंड है, और इस साल 2022 का इस कंपनी का पहला डिविडेंड है। इसके पहले भी कंपनी साल 2021 में 2 बार डिविडेंड दे चुकी है। पिछले बार अगर बात करें तो ₹15 कंपनी ने डिविडेंड दिया था, यानी कि एक शेयर पर तब ₹15 डिविडेंड मिला था, और ये मिला था अक्टूबर 2021 में, और उसके पहले भी एक बार कंपनी ने साल 2021 में डिविडेंड दिया था। डिविडेंड के मामले में कंपनी ठीक है, साल में 2-3 बार कम से कम डिविडेंड तो देती ही देती है। इसके अलावा कंपनी भी ठीक है। आइए अब क्वार्टर फोर के रिजल्ट पर चलते हैं। तो देखेंगे क्वार्टर फोर के रिजल्ट में बात करें तो ये कॉलम क्वार्टर फोर के लिए है, यह कॉलम पिछले माह का जो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था यानी कि क्वार्टर थ्री के लिए बनाया गया, और यह जो कॉलम आप देख रहे हैं पिछले साल के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे उससे कंपैरिजन करने के लिए बनाया गया है। तो समझेंगे क्वार्टर फोर में इन्फोसिस का रेवेन्यू देखिए 32,913 करोड़ का हुआ है, सारे फिगर्स करोड़ में है, जो कि क्वार्टर थ्री में था 32,379 करोड़। यानी कि अगर देखें तो रेवेन्यू में क्वार्टरली स्तर पर थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही बढ़ावा हुआ है, और अगर सालाना स्तर पर देखें तो पिछले साल के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए थे उसमें इसका रेवेन्यू सिर्फ 26,856 करोड़ का हुआ था, मतलब सालाना स्तर पर ज़बरदस्त रेवेन्यू गेन हुआ है। अब अगर खर्चे की बात कर लें, ऐसा तो नहीं कि कंपनी कमा रही है ₹100 खर्चा करिए ₹200, हालांकि इन्फोसिस के केस में ऐसा नहीं है। देखिए इसमें इसका जो क्वार्टर फोर में टोटल खर्च हुआ है 25,370 करोड़ खर्च हुआ है, यह खर्च देखिए इसके रेवेन्यू से कम है, इसलिए कंपनी को लॉस नहीं होगा। अगर क्वार्टर थ्री में बात करें तो 24,436 करोड़ कंपनी ने अपने बिजनेस पर खर्च किए थे, और अगर साल भर पहले देखें तो 19,926 करोड़ कंपनी ने अपने अलग अलग कार्यों पर खर्च किए थे। अब बात करते हैं पीएटी, इसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि यह टैक्स ऑफ देने के बाद कंपनी के पास बचता है उसी को शुद्ध मुनाफा कहा जाता है। अब समझिए यह क्वार्टर फोर में हुआ है 5,695 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ है इतना, और अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो यह हुआ था 5,822 करोड़ का। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आया है, थोड़ा सा ही, जिसको ज़्यादा नहीं कहेंगे, फिर भी प्रॉफिट इस बार कम हुआ है, यह चिंता की बात है। हालांकि सालाना स्तर पर देखें तो पिछले साल के जो क्वार्टर फोर रिजल्ट आए थे उसमें 5,078 करोड़ कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, और सालाना स्तर पर अभी इसका प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट तो तीन तीन माह पर आते रहते हैं, इसलिए मिलाना यह चाहिए कि साल भर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं, तो सालाना स्तर पर अभी रेवेन्यू प्रॉफिट हर चीज़ बढ़ा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, अर्निंग पर शेयर को शॉर्टकट में ईपीएस कहते हैं, या एक शेयर पर एक साल में कितना रुपया बढ़ा उसको बतलाता है। तो देखेंगे क्वार्टर फोर में यह हो गया ₹13.56, जो कि पिछले क्वार्टर में था ₹13.86, और अगर साल भर पहले की बात करें तो देखेंगे ₹11.96 था। यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो अर्निंग पर शेयर में थोड़ा सा गिरावट आया है, लेकिन अगर सालाना स्तर पर देखें तो सालाना स्तर पर अच्छा खासा इसका अर्निंग पर शेयर अभी बढ़ा है, बरकरार है। तो ओवरऑल मैंने जितनी बातें थी आपको बता दी, उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर उसके अलावा भी मुझसे पर्सनली जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं सबसे तफसील से बात करता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।